हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कंप्यूटर टीचर फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। टुडे माय टॉपिक इज अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने आपको इनपुट यूनिट्स के बारे में पढ़ाया था, आज हम करेंगे आउटपुट यूनिट्स। तो आउटपुट यूनिट्स में क्या वर्क होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में जो स्टोर किया गया प्रोसेस डाटा होता है उसको आउटपुट यूनिट में भेजा जाता है। आउटपुट आम तौर पर दो तरीकों में से एक में निर्मित होता है, एक में प्रोड्यूस्ड होता है, ऑन द डिस्प्ले डिवाइस और ऑन पेपर मींस हार्ड कॉपी। इन दो में एक में से आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होता है। तो आउटपुट यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मॉनिटर। मॉनिटर के बारे में आप लोग जानते ही हैं, मॉनिटर को अक्सर कंप्यूटर स्क्रीन या डिस्प्ले कहकर भी आप लोग समझ सकते हो। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। आपको पता है कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है डैट रिसेम्बल्स द टेलीविजन स्क्रीन। ठीक है, ये टेलीविजन स्क्रीन जैसा दिखता है। इट मे यूज अ कैथोड रे ट्यूब। व्हाट इज द फुल फॉर्म? CRT, कैथोड रे ट्यूब, टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए कैथोड रे ट्यूब का यूज कर सकता है। नाउ मैनी टाइप्स ऑफ मॉनिटर आर अवेलेबल। बहुत सारे मॉनिटर जो अवेलेबल है मार्केट में, जैसे LCD, TFT एंड LED। द मॉनिटर इज एसोसिएटेड विद अ कीबोर्ड फॉर मैनुअल इनपुट ऑफ करेक्टर्स एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन एज इट्स कीड इन। तो आपको मॉनिटर की स्क्रीन कैसी दिखाई देती है? टेलीविजन की तरह दिखाई देती है, है ना? तो मैंने आपको बताया कि मार्केट्स में किस तरह के मॉनिटर पाए जाते हैं, जैसे LCD हो गया, TFT हो गया, LED हो गया, इस टाइप के मॉनिटर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा इट ऑल्सो डिस्प्ले द प्रोग्राम और एप्लीकेशन आउटपुट। ये प्रोग्राम और एप्लीकेशन आउटपुट को भी डिस्प्ले करता है। लाइक द टेलीविजन मॉनिटर आर ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। जैसे कि टेलीविजन की तरह मॉनिटर भी डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है। उसके बाद प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में तो आपको पता ही है कि प्रिंटर क्या करता है। प्रिंटर का यूज कागज बनाने के लिए किया जाता है, मतलब कि प्रिंट आउट निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, और कॉमनली नोन एज हार्ड कॉपी, और इसको हार्ड कॉपी के नाम से भी जाना जाता है जो ये प्रिंट निकलता है इसमें से पेपर। बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज्ड दे आर ऑफ मैनी टाइप्स लाइक डॉट मैट्रिक्स, इंजेक्ट, लेजर एंड थर्मल प्रिंटर। तो जिस तरह से मैंने आपको मॉनिटर बताए, मॉनिटर मार्केट में कौन कौन से अवेलेबल हैं, LCD, TFT, LED, उसी तरह से प्रिंटर कौन कौन से हैं, मैट्रिक्स, इंजेक्ट, लेजर और थर्मल प्रिंटर्स। उसके बाद आता है प्लॉटर्स। प्लॉटर्स आर यूज टू प्रिंट ग्राफिकल आउटपुट ऑन पेपर। तो पेपर पर ग्राफिकल आउटपुट को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। इट इंटरप्ट्स कंप्यूटर कमांड्स एंड मेक्स लाइन ड्राइंग ऑन पेपर यूजिंग मल्टी कलर्ड ऑटोमेटेड पेन्स। ये कंप्यूटर कमांड की जो है इंटरप्ट्स करता है, और वो कह रहे मल्टी कलर्ड पेन का उपयोग करके, यूज करके कागज पर, पेपर पर ड्राइंग, लाइन ड्राइंग वगैरह करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे इट इज कैपेबल प्रोड्यूसिंग ग्राफ्स, ड्राइंग्स, चार्ट्स, मैप्स एक्सेट्रा। ये ग्राफ्स, ड्राइंग और चार्ट्स एक्सेट्रा को बनाने में, प्रोड्यूस करने में कैपेबल है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। अब हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। आपकी बुक में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की शॉर्ट फॉर्म गलत दे रखी है, CUP लिखा है CPU। CPU को कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द टास्क परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे
ऑपरेशंस को, परफॉर्मिंग ऑपरेशंस के टास्क को क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग कहा जाता है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टेक्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट एंड मेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस गिवन एंड द डाटा टाइप ऑफ डाटा प्रोवाइडेड। इट इज देन सेंट बैक टू द स्टोरेज यूनिट। सीपीयू में इंक्लूड क्या क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU एंड मेमोरी यूनिट MU। ये सारे कंप्यूटर में, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इंक्लूड है। तो अब इनके बारे में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑल कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड आर कैरिड आउट विद इन द ALU। वॉट इज द फुल फॉर्म ALU? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। देखिए अरिथमेटिक है तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो उनमें हमारी हेल्प करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ऑल्सो लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू एक्सेट्रा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनमें हमारी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोलिंग ऑफ ऑल ऑपरेशंस लाइक इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट आर परफॉर्म्ड बाय कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल करने के सारे ऑपरेशन कंट्रोल यूनिट के द्वारा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होते हैं। इट टेक्स केयर ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हैं ये स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है उस पर वर्क करता है, ठीक है। मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। कंप्यूटर की मेमोरी टू टाइप्स में क्लासिफाइड की गई है, एक है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो अब हम मेमोरीज के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको बताई थी। प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज रैम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये क्लासिफाइड करता है किसको? रैम और रोम को, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं रैम इज वोलेटाइल मेमोरी हैविंग अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटीज। रैम वोलेटाइल मेमोरी है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी को इंटरनल और सेकेंडरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी इज स्टोरेज अदर देन द रैम। सेकेंडरी मेमोरी रैम के अलावा अन्य स्टोरेज होता है इसमें। दीज इंक्लूड डिवाइसेस दैट आर पेरिफर एंड आर कनेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर टू अनेबल परमानेंट स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम्स एंड डाटा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इंक्लूड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव्स एक्सेट्रा। तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या इंक्लूड है? CDs, DVDs और पेन ड्राइव्स। और प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लास्ट ईयर भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि कंप्यूटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्पीड, ठीक है। अ पावरफुल कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अबाउट 3-4 मिलियन सिंपल इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कि जो कंप्यूटर है ये पर सेकेंड में बहुत सारा वर्क कर देता है, ठीक है। पर लेकिन वही करेगा जो जो हम वर्क उसमें करेंगे वही वो करेगा। एक्यूरेसी, इन एडिशन टू बीइंग फास्ट कंप्यूटर्स आल्सो एक्यूरेट। कंप्यूटर का रिजल्ट हमेशा में एक्यूरेट मिलता है। डिलीजेंस, वर्सेबिलिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।